नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई में कुछ इस तरीके से स्टील यानी कि सरिया लगाई जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्लैब में एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी रखनी चाहिए और इसके साथ साथ स्लैब में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से स्लैब बीम होती है, स्लैब बीम में कितनी मोटी सरिया लगानी चाहिए और इसके साथ साथ स्लैब ढलाई करते समय हमें किस रेशियो का कंक्रीट यूज करना चाहिए। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब की ढलाई होने से पहले कुछ इस तरीके से स्लैब का स्टील जाल बांधा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि स्लैब के स्टील जाल में एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की डिस्टेंस हमें क्या रखनी चाहिए। तो यदि आप नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हो यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरीके से यदि आप नॉर्मल घर बना रहे हो तो इस सिचुएशन में स्लैब का स्टील जाल बांधते समय आपको एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 इंच रखनी चाहिए। 6 इंच का मतलब अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर यानी कि 15.24 सेंटीमीटर के आसपास आपको एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की डिस्टेंस रखनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लैब का स्टील जाल बांधा गया है और एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 इंच यानी कि अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर के आसपास रखी गई है। तो इसी तरीके से आपको भी स्लैब की ढलाई करते समय एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्लैब की ढलाई करते समय हमें स्लैब में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि स्लैब की ढलाई करते समय स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से जो स्टील जाल बांधा जाता है, स्लैब के इस स्टील जाल को बांधने के लिए आपको 10 mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए यानी कि 10 mm की स्टील का उपयोग आपको स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से स्लैब का स्टील जाल बांधने के लिए करना चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब में कुछ इस तरीके से स्लैब बीम होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि स्लैब बीम में हमें कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो यदि आप कुछ इस तरीके से स्लैब बीम बना रहे हैं तो स्लैब बीम में आपको 12 mm की स्टील का उपयोग करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लैब बीम बनाई गई है और स्लैब बीम में 12 mm की स्टील का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्लैब की ढलाई करते समय हमें कितने ग्रेड की कंक्रीट का उपयोग करना चाहिए यानी कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट का हमें रेशियो क्या रखना चाहिए स्लैब की ढलाई करते समय। तो स्लैब की ढलाई करते समय आपको 1:1.5:3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। 1:1.5:3 का मतलब 1 bag आपका सीमेंट हो गया, 1.5 यानी कि 1.5 bag आपका सैंड हो गया और इसके साथ साथ 3 bag आपका एग्रीगेट हो गया। इसके अलावा आप 1:3 रेशियो का भी कंक्रीट स्लैब ढलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं और लगभग 90% लोग स्लैब की ढलाई करते समय 1:3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करते हैं क्योंकि 1:1.5:3 रेशियो के कंक्रीट को मापने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, इसीलिए लोग 1:3 रेशियो का कंक्रीट स्लैब ढलाई में उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्लैब ढलाई करते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हमें स्लैब की थिकनेस यानी कि मोटाई कितनी रखनी चाहिए। तो स्लैब की ढलाई करते समय आपको स्लैब की थिकनेस जो है वो अप्रॉक्स 5 इंच यानी कि लगभग 12.5 सेंटीमीटर से कम नहीं रखनी चाहिए। तो एक अच्छी स्लैब बनाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस वीडियो में हमने आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।